हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे वर्मी कंपोस्ट के बारे में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि वर्मी वेट कैसे लगाए जाते हैं, साथ ही साथ वर्मी कंपोस्टों को मार्केट में कैसे सेल किया जाता है और अन्य जानकारियाँ। यदि आपको जानना है पर्टिकुलर जानकारी वर्मी कंपोस्ट से रिलेटेड, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइमिंग दी गई है, वहाँ पर आप क्लिक करके वह पर्टिकुलर जानकारी देख सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए ग्रेवो को, और लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए क्लिक कीजिए बेल आइकन को। सर, आपका थोड़ा इंट्रो दे दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम इंद्रजीत सिंह ठाकुर है और ये हमारी एक वर्मी कंपोस्टिंग यूनिट है जिसका नाम ग्रीन ग्रेविटी प्राइवेट लिमिटेड के तहत चलती है, और यहाँ पर हम वर्मी कंपोस्टिंग करते हैं। ग्राम भिलगांव, तहसील कसरावत, जिला खरगोन में डोंगरगांव रोड पर स्थित है। ओके सर, थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए, आपने ये स्टार्ट क्यों की, किस पर्पज से की है? देखिए, आजकल काफ़ी समस्या है कि ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ावा देने के लिए हमने इस्तेमाल किया था पहली बात तो इसे, और जो इनऑर्गेनिक खेती हो रही है, केमिकल्स का इस्तेमाल इतना ज़्यादा हो रहा है कि हमारी ज़मीनें जो है बंजर होती जा रही है, प्रोडक्शन कम होता जा रहा है, बीमारियाँ काफ़ी बढ़ रही है। तो इसके कारण जब हम वर्मी कंपोस्टिंग करते हैं और ये खाद हम जब खेतों में डालते हैं तो उससे काफ़ी फ़ायदा होता है, हमारा जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ता है, हमें स्वस्थ खाना मिलता है और हमारे जो बीमारियों की भी कमी होती है। तो ये वर्मी कंपोस्टिंग की शुरुआत हमने एक साल पहले मेरे अंकल वीरेंद्र सिंह ठाकुर के साथ मिलकर की थी, जिसमें यहाँ पर हम 20-25 बेड के साथ वर्मी कंपोस्टिंग कर रहे हैं, और अभी हमारा खाद भी निकल रहा है और केचुआ भी काफ़ी बढ़ रहा है। ओके सर, ये तो थी। इसके साथ आपने कुछ पढ़ाई भी की होगी? मैं जनरली इंजीनियरिंग स्टूडेंट था, मैंने 2018 में इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी अपनी, उसके बाद एक साल पुणे में नौकरी की, यहाँ पर पीतमपुर में भी अच्छी कंपनी में नौकरी करता था एज ए इंजीनियर। उसके बाद मैंने नौकरी छोड़कर अपना कुछ शुरू करने की मेरी शुरू से इच्छा थी, तो मैंने मेरे अंकल के साथ वीरेंद्र सिंह जी के साथ मिलकर इस कार्य के बारे में रिसर्च की, काफ़ी एक साल तक इसके बारे में जाना, हमने ट्रेनिंग ली और फिर इसकी शुरुआत नींव रखी, और ये काफ़ी अच्छे तरीके से सुचारू रूप से यहाँ पर अभी हम काम कर रहे हैं इसके। जैसे ये तो हो गई आपकी बातें, क्यों स्टार्ट की और आपने क्या किया है और साथ में इसका पर्पस क्या था, पर जैसे कि बहुत से किसान जैसे नॉर्मल खाद अभी भी छिटते हैं, और इसमें और उसमें क्या फ़र्क है, मतलब कुछ ज़्यादा मिनरल्स आ जाते हैं जो भी, कि कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज रहता है कुछ? देखिए, जो नॉर्मली हम जो गोबर इकट्ठा करते हैं, एक साल, डेढ़ साल, छः महीने का गोबर इकट्ठा करते हैं, और ये जो वर्मी कंपोस्टिंग बनती है, इन दोनों में काफ़ी अंतर है। पहली बात तो जो हम वो गोबर लेते हैं उसमें हम बारिश भी एक बारिश पूरी लग जाती है, उसमें एक सीज़न की पूरी धूप लग जाती है, एक सीज़न की पूरी ठंड लग जाती है, और उसको हम इतना ऊंचा इकट्ठा कर देते हैं कि उसके अंदर गर्मी इतनी हो जाती है कि उसके सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट ऑलरेडी ख़त्म हो जाते हैं। जब उसको हम ट्रॉली में भरवाते हैं तभी वो इतना गर्म होता है कि उसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पहले मौजूद थे वो तो पहले ही ख़त्म हो चुके होते हैं। उसके अलावा हम उसे इस जनरली हमारे आसपास जो किसान है उसे मार्च अप्रैल में डालते हैं, तो इतनी गर्मी में उसमें पानी लगता नहीं है तो उसका कोई खास प्रभाव पड़ता नहीं है। और जो वर्मी कंपोस्ट, इसमें कार्बन की काफ़ी मात्रा है जो कि डायरेक्टली पौधे को असर करता है। और जो ये वर्मी कंपोस्ट है, इसलिए केचुआ जो है, केचुआ पहले खाता है, उसके बाद जो इसका जो एक्सक्रीशन निकलता है, इसका जो मल निकलता है, उसे हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। और इसमें जो 16 तत्व पौधे को ज़रूरी होते हैं उसमें से 13 तो इसमें आसानी से, बहुत ही आसानी से मिलते हैं, और ये पौधे को काफ़ी मदद करता है बढ़ने के लिए। जैसे कि बहुत से तरह के केचुए रहते हैं, तो केचुए के भी टाइप रहते हैं? जी बिल्कुल। जैसे नॉर्मल तरह से तो खेत में भी केचुए पाए जाते हैं, और साथ ही साथ कुछ ऐसे ब्रीड भी होती है जो कि अच्छे इसको सड़ाने के लिए अच्छे यूज में रहते हैं, जिसका प्रोडक्शन ज़्यादा देते हैं। तो अभी आपने कौन सा केचुआ यूज किया है, आप बता सकते हो? देखिए, केचुए के लिए हमारे आसपास या जनरली सभी किसान जो केचुआ जानते हैं, जो मिट्टी में पाया जाने वाला केचुआ होता है, वो सिर्फ मिट्टी ही खाता है और वो मिट्टी के अंदर रहता है। पर क्या है कि केमिकल्स का इतना ज़्यादा छिड़काव हो चुका है कि वो केचुआ ज़मीन के काफ़ी नीचे चला गया है। अब उसे ऊपर लाने के हमें जैविक खेती की तरफ बढ़ना होगा। और ये जो केचुआ है, यहाँ पर हम ऑस्ट्रेलियन प्रजाति का केचुआ इस्तेमाल करते हैं, जिसका स्पेसिफिक नाम है आइसिनिया फेटिटा। ये जो केचुआ स्पेशली होता है वर्मी कंपोस्टिंग के लिए ही होता है। इसके अलावा अमेरिकन एक कैटेगरी होती है और एक अफ्रीकन कैटेगरी होती है, वो भी वर्मी कंपोस्टिंग के लिए इस्तेमाल होती है। बट उन कैटेगरी का में दिक्कत ये होती है जनरली कि वो कम तापमान पर अच्छे से कार्य नहीं कर पाता, और जो ये केचुआ है ये -5 डिग्री से लेकर 55 डिग्री सेल्सियस तक अपना कार्य अच्छे से कर पाता है, और वर्मी कंपोस्टिंग के लिए यही डेडिकेटेड अच्छा होता है। ओके सर, जैसे कुछ केचुए की लंबाई ज़्यादा होती है, कुछ छोटे केचुए रहते हैं, तो ये किस साइज का रहता है ये केचुआ जो आप यूज कर रहे हो? ये जनरली 6 से 7 सेंटीमीटर का होता है,
और अगर कुछ केचुए होते हैं जो काफ़ी अच्छे डेवलप हो जाते हैं वातावरण के अनुकूल जब उन्हें लगता है, तो इससे भी लंबा काफ़ी जाता है, 2-4 इंच पे भी जाता है केचुआ। पर ये जो अफ्रीकन और अमेरिकन कैटेगरी है उससे थोड़ा हल्का छोटा होता है, पर उनसे ज़्यादा कारगर माना जाता है ये वाला केचुआ। जैसे कि बहुत से किसान तो ऐसे भी करते हैं, 1-2 किलो ले आते हैं ऑस्ट्रेलियन केचुआ जो आपने बताया इस तरह से, और बाद में क्या करते हैं कि कुछ देसी भी मिल जाते हैं नालियों में आइस साइड कहीं पे भी, तो उनको भी छोड़ देते हैं, तो इससे लॉस होता है। किसान सोचता है कि मैंने केचुआ तो डाला है, अब वो खाद बनाना चाहिए, पर खाद बनाता नहीं है। जो केचुआ खेत में निकलता है वो सिर्फ मिट्टी खाता है, वो अपना पेट भरेगा और उसको लगेगा कि मेरा पेट भर गया, मुझे खाना मिल गया, मुझे पानी मिल गया, उसके अलावा वो काम बंद कर देगा, आराम से ठंडा बैठा रहेगा। पर ये जो केचुआ ये 24 घंटे काम करता है, तो इसका खास इस्तेमाल ही इसीलिए होता है ताकि 24 घंटे काम कर सके। आप उसमें दूसरा केचुआ भी डालोगे वो थोड़ा बहुत खाएगा और काम इतना आपको एफिशिएंट नहीं रहेगा, वो इतना ज़्यादा कारगर नहीं रहेगा कि आपको आप सोचो कि 2 महीने में पूरा एक ट्रॉली खाद बना के आपको दे दे। तो इसलिए हम यही केचुआ सजेस्ट करते हैं कि यही केचुआ इस्तेमाल किया जाए। जैसे कि आपने बताया कि ये 2 महीने में बन जाता है, इसका टाइम पीरियड 2 महीने में कितना, ये कितना किलो केचुआ कितना खाद बना सकता है, आप ये बता सकते हो? जी, इसका हिसाब ऐसा होता है कि अपना एक जो केचुआ होता है ऑस्ट्रेलियन ब्रीड का एसिनिया फिटिडा जो केचुआ होता है जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो अपने वजन के बराबर ही खाएगा। कोई भी प्राणी अपने वजन से ज़्यादा नहीं खा सकता, तो ये केचुआ 1 ग्राम का होता है जनरली। और ये जो हमारा बेट के स्ट्रक्चर ये कुछ इस तरह से बना है कि 3 फीट चौड़ा है और 30 फीट लंबा है, तो हम हर 1 फीट लंबाई पर हमने 1 किलो केचुआ डाला है यहाँ पर। तो इसमें जो 30 फीट की लंबाई में हमने 30 किलो केचुआ डाला है जो कि एक दिन में 30 किलो गोबर को खाएगा और 30 किलो खाद बनाएगा। तो एक ट्रॉली गोबर जो कि 3 टन की ट्रॉली होती है उसमें हमने 1500 किलो एक बेड में डाला है, 1500 किलो दूसरे बेड में डाला है, तो जो 30 किलो केचुआ है वो 50 दिन में एक बेड को खा जाता है। तो और जैसे मौसम के हिसाब से थोड़ा बहुत इसमें चेंज आता है, तो 50 दिन से लेकर 70 दिन में प्रोसेस कम्प्लीट हो जाती है। तो हम यही कहते हैं कि 2 से 2.5 महीने का समय लगता है सीजन के अकॉर्डिंग। अगर ठंड है तो थोड़ा ज़्यादा लगेगा, गर्मी में थोड़ा अच्छे से बना देगा काफ़ी, ताकि नमी थोड़ी कम होती है उसमें। तो 50 दिन से लेकर 70 दिन में 2.5 महीने की प्रोसेस में आराम से आपका खाद तैयार हो जाता है। किसान की सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो एक ट्रायली गोबर जो आपको दिया है तो कितने दिन में बना देगा जैविक कंपोस्ट? देखिए, ट्रॉली का अनुमान अलग अलग होता है, पर मैं आपको सीधा हिसाब बताऊं इसका, तो अगर आप इसका प्रोडक्शन जनरली मिलता है 30-40% के आसपास। अगर आप 1000 किलो गोबर ले रहे हैं तो उसमें से 300-400 किलो आपको खाद आराम से मिलेगा। और ये आप सोचोगे कि मैं तो एक ट्रॉली गोबर डाल दूं तो वो तो एक ट्रॉली हो गया, और मैं इसको 400 किलो डालूंगा तो ये तो कम हो गया। दरअसल क्या है कि अगर आप एक ट्रॉली गोबर डालते हैं और 2 से 3 बोरी सिर्फ वर्मी कंपोस्ट डालते हैं तो उससे दुगना इसका असर होता है। तो आप कहने का मतलब ये है कि आप एक ट्रॉली गोबर में के अनुपात में अगर इसको 3 बोरी ही डालेंगे तो ये ज़्यादा कारगर है। तो 30-40% आपका प्रोडक्शन आराम से मिलता है 2 से 2.5 महीने में। और किसान भी वैसे भी क्या करता है, घर से उठा के डायरेक्ट खेत में तो डालता नहीं, उसको 6 महीने साल भर स्टोर करता है। तो उसको स्टोर करने की बजाय उसको आप वर्मी कंपोस्टिंग के प्रोसेस से तैयार करोगे तो ज़्यादा कारगर तरीके से काम करेगा आपका ही खाद। सर ये तो हो गई इसकी, इसके बाद थोड़ा बता सकते हो केचुए के बारे में? जैसे आपने जो केचुआ बताया था जी, उसको लाइव बता सकते हो कि किस तरह से दिखता है, क्या उसकी विशेषताएं रहती हैं? जी, जैसे हम गोबर आता है तो गोबर कुछ इस तरीके से हम इकट्ठा करते हैं, इधर गोबर इकट्ठा करते हैं, इसको हम 2 से 3 फीट की हाइट पर इसको फैला देते हैं, ज़्यादा ऊँचा नहीं करते, और इसमें पानी का छिड़काव लगातार करते रहते हैं ताकि क्या है कि इसमें की जो सारी मीथेन है, सारी जो विषैले तत्व है, सारे पानी के द्वारा निकल जाए। तो ये गोबर ताज़ा रहता है, तो मतलब कि अभी गोबर कभी ताज़ा है तो कम से कम 2-3 दिन रखते हो, ठंडा करते हो उसको? गोबर एकदम ताज़ा भी नहीं होता है हमारा, 10 से 15 दिन पुराना गोबर होता है, और 1 से 1.5 महीना ज़्यादा पुराना गोबर लेते नहीं हम, ताकि वो काला पड़ने लग जाता है। तो जो केचुआ है उसे खाने के लिए अच्छा भोजन मिले इसलिए हम 15 दिन पुराना गोबर लेते हैं, उसको इकट्ठा करके हम पानी चलाते हैं लगातार। पानी चलाने के बाद जैसे ठंडा हो जाता है हम इस बेड्स में डाल देते हैं, बेड में डालने के बाद 1-2 बार और पानी चलाते हैं और इसमें उसके ऊपर से केचुआ डालते हैं। केचुआ मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ऑस्ट्रेलियन ब्रीड होती है, इसमें काफ़ी वयस्क भी है, काफ़ी बच्चे भी हैं। ये जो समय है इनका अंडे देने का ही समय है, ये काफ़ी मात्रा में यहाँ पर केचुए हैं अभी। जैसे आपको इसको लगाने का कितना टाइम हो गया है? ये हम लगभग 1-1.5 साल से कर रहे हैं। ये तो हो गया, साथ में ये बेड लगाने का, बेड कितना दिन पुराना है ये? ये वाले अभी बारिश के पहले लगाए हमने, और कुछ बारिश के दौरान यहाँ पर कंटिन्यू काम चलता रहता है, कभी बेड लगते रहते हैं, बेड निकलते रहते हैं। तो ये अभी बारिश के पहले भी लगे हैं कुछ, और बारिश के दौरान भी लगे हैं, और उसके ऊपर हम ये पराली भी डाल देते हैं ताकि ये जो चावल है, चावल की जो धान धान होती है
धान की जो पराली होती है इसमें एक जो कंटेंट पौधे को चाहिए उसमें काफ़ी होता है, तो पराली का भी जो एक प्रोटीन होता है वो तो पूरा खाद में मिल जाता है, जिसे हम राइस हस्क कहते हैं। राइस हस्क मिला हुआ खाद काफ़ी अच्छा होता है पौधों के लिए। ओके सर, जैसे कि बहुत टाइम तो मैंने देखा है कि किसान क्या करते हैं, कुछ भी यूनिट लगाना होता है तो क्या कहते हैं, छत भी डालते हैं, पूरा सेटअप करके रखते हैं। आपका इस पे क्या कहना है कि जैसे आपने तो नॉर्मल यूज किया है, एक ऊपर से पत्ते रख दिए हैं, ईंट की ये बना दी है थोड़ी सी दीवार टाइप, तो इसमें आपका क्या बताना है कि इसमें भी अच्छी तरह से हो सकता है, जो भी प्रोडक्शन की वो जो इनिशियल कॉस्ट का जो हाई बजट रहता है उसी में प्रोडक्शन अच्छा। देखिए ये तो सिर्फ भ्रांतियाँ हैं वर्मी कंपोस्टिंग को लेकर, कि अगर आप मतलब अच्छा बड़ा तामझाम लगाएंगे, अच्छा खर्चा कर देंगे थोड़ा, तो ही आप वर्मी कंपोस्टिंग कर पाएंगे, तो ये बात बिल्कुल गलत है। वर्मी कंपोस्टिंग को पहले तो समझना होगा। वर्मी कंपोस्टिंग जो होता है तीन तरीके से होता है, तीन, जो एक तो नाडेप बनती है जो कि पक्की होती है सीमेंट कंक्रीट की, दूसरी होती है वर्मी बेड वाली जो कि हम जो प्लास्टिक की बेड जो सरकार अपनी योजनाओं के द्वारा किसानों को मुहैया करवाती है, और तीसरी होती है ये वाली तरीका जो कि हम इस्तेमाल करते हैं, इसको हम ओपन विड्रॉ मेथड कहते हैं। इसमें ना ऊपर कोई हम सीमेंट का ना बनाते हुए ना प्लास्टिक का बनाते हैं, हम इसमें एक प्लास्टिक शीट बिछाते हैं, उसके ऊपर एक क्यारी बना देते हैं ईंटों की, उसमें हम गोबर डाल देते हैं। और जो तीन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कभी भी वर्मी कंपोस्टिंग करने के लिए, कहीं भी आप करें, किसी भी सीजन में करें, कितनी भी धूप हो कितनी भी बारिश हो, तो तीन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। केचुआ का जिंदा रहना, जब तक आपका केचुआ जिंदा रहेगा तब तक आपका खाद बनता रहेगा, जब तक आपका केचुआ बढ़ता रहेगा तब तक आपकी यूनिट डेवलप होती रहेगी। तो केचुए के लिए तीन चीज़ें ज़रूरी है यहाँ पर, खाना, पानी और हवा। ये तीन चीज़ें अगर बराबर मिलती रही तो आपका जो वर्मी कंपोस्टिंग है प्रॉपर तरीके से बनेगा। जनरली दिक्कत क्या होती है, किसानों को यहाँ पर योजनाओं के द्वारा काफ़ी बेड दिए जाते हैं, उसमें से जितने भी हमने ग्राउंड लेवल पर जब हम किसानों के यहाँ जाते हैं उनसे बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि हमारा केचुआ गर्मी में मर गया, हमारा केचुआ बारिश में मर गया, हमारा केचुआ ठंड में मर गया। तो मरने के पीछे सिर्फ एक ही दिक्कत है कि उन्हें ट्रेनिंग नहीं होती प्रॉपर। जब किसान को ट्रेनिंग होगी प्रॉपर कि केचुआ को जिंदा कैसा रखा जाता है हर मौसम में, तो किसान अपनी यूनिट किसी भी तरीके से चला सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उसे ऊपर शेड करना होगा या फिर बाउंड्री करनी होगी या फिर उसको पूरा ढकना चाहिए, बिना ढके भी खाद बनता है। पर यहाँ पर क्या होता है कि हमारा खुला है तो बारिश भी बराबर लगती है, धूप भी बराबर लगती है, तो इसलिए हम इसको ओपन विड्रॉ मेथड इसीलिए कहते हैं कि ये ओपन होता है पूरी तरीके से। तो इसमें केचुआ अगर जिंदा रहेगा तो हमारी जो वर्मी कंपोस्ट है वो अच्छे तरीके से बनेगी। ओके सर, जैसे कि ये आपने बताया कि तीन तरह की मेथड होती है इसको वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए, साथ में वर्मी कंपोस्ट के साथ आप अन्य उत्पाद भी ले सकते हैं, जैसे कि आप कहते हैं जैव वाष्प, तो इस तरह मेथड में आप किस तरह से जैव वाष्प यूज कर सकते हो कि नॉर्मल यूज ही नहीं हो रही है, निकाल ही नहीं रहे हो आप? यहाँ पर हम जो जैव वाष्प या फिर वर्मी वॉश जिसे कहते हैं जनरली, वर्मी वॉश का इस्तेमाल हम यहाँ पर निकाल नहीं रहे हैं। और उसका मुख्यतः एक कारण है कि जो वर्मी वॉश है इससे दुगना ताकतवर होता है। पर हम क्या करते हैं, खाद में हमारा उतना ही पानी डालते हैं गोबर में कि जितना उसमें उसको ज़रूरत है, तो जो वर्मी वॉश है वो खाद में ही मिक्स हो जाता है, उसे अलग तरीके से खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती है। पर जब हम किसान को बनवाते हैं तो हम उसका इस्तेमाल पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए, आपको किस तरीके से आपको आपकी फसल में इस्तेमाल करना है। अगर उसे वर्मी वॉश भी इस्तेमाल करना है तो वर्मी वॉश भी निकाल कर देते हैं उसके यूनिट पे, और खाद भी निकाल के देते हैं। और अगर उसे खाद में मिक्स करना है, खाद में उतनी ताकत लेनी है कि वो वर्मी वॉश की भी ताकत मिल जाए, उसे वर्मी कंपोस्ट की भी ताकत मिल जाए, तो हम वो भी करते हैं। तो हम जनरली वर्मी वॉश इसीलिए नहीं निकालते हैं ताकि उसमें हम उसकी ताकत जो वर्मी वॉश की है उसमें खाद में ही रहे। इसके अलावा हम जब खाद निकालते हैं तो उसमें गौमूत्र का छिड़काव करते हैं और नीम ऑयल का भी छिड़काव करते हैं ताकि खाद की जो पावर है उसको दुगनी की जाए। ओके सर, जैसे कि बहुत सी प्रोसेस रहती है, अधिकांश किसान जो जिनको नॉलेज रहता है वो कहते हैं कि इनकी हाइट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 1 फीट 2 फीट, आप बता सकते हो किस तरह से आप प्रोसेस करते हो नॉर्मली? बिल्कुल, सबसे पहली बात तो ध्यान रखनी चाहिए किसी भी बेड को लगाने से पहले, चाहे आप किसी भी तरीके से, तीनों तरीके में से आप सीमेंट का बनाएं, चाहे आप प्लास्टिक का बनाएं या फिर इसे ओपन विड्रॉ मेथड से ईंट का बनाएं, तो सबसे ज़रूरी बात है पानी की निकासी। अगर पानी की निकासी आपकी बराबर होगी, ज़मीन ढलान पर होगी, तो पानी रुकेगा नहीं, और पानी रुकेगा नहीं तो आपकी जो नमी है वो अच्छी तरीके से मेंटेन रहेगी बेड में, तो पानी की निकासी होना चाहिए। और दूसरा सवाल जो आपने पूछा, इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, इसके साथ मैं ज़रूर बताऊँगा इसकी चौड़ाई कितनी रखनी चाहिए। कुछ किसान लालच में आकर क्या करते हैं कि 20x20 का बेड बना देते हैं, तो तरीका बिल्कुल गलत होता है 20x20 का बेड बनाने का। मैं 4 फीट की चौड़ाई होना चाहिए, हाइट इसकी 1.5 फीट रखनी चाहिए, और लंबाई आप कितनी भी रख सकते हैं। लंबाई के लिए कोई बंदिश नहीं है कि लंबाई 10 फीट या 12 फीट या 15 फीट, आप चाहे 10 फीट रखें, आप चाहे 100 फीट रखें, लंबाई कितनी भी हो सकती है। इसकी जो हाइट हमने भी रखी है, इसकी हाइट हमने 1.5 फीट से ज़्यादा नहीं रखी है ताकि जो अंदर जो गोबर है वो गर्म ना हो, ताकि जो पानी लगता है और अचानक धूप पड़ गई
तो धूप पड़ने से क्या होता है कि उसमें भाप बनती है, भाप बनती है तो अंदर गोबर गर्म होता है और टेम्परेचर बढ़ता है, और जैसे ही गोबर में टेम्परेचर बढ़ता है तो मिथेन बनाना शुरू कर देता है। तो मिथेन से सबसे ज़्यादा नुकसान होता है केचुओं को, तो मिथेन ना बने इसलिए हम सुझाव देते हैं कि 1.5 फीट से ज़्यादा हाइट नहीं होनी चाहिए, 3-4 फीट से ज़्यादा चौड़ाई नहीं होनी चाहिए, और लंबाई आप कितनी भी रख सकते हैं। ओके सर, जैसे आप मिथेन की बात कर रहे हो तो जैसे कि बहुत से किसानों के पास तो ये भी रहती सुविधा अपनी गैस की, जी गैस से, तो वो गोबर यूज कर सकते हैं कि नहीं? गोबर गैस का एक होता है कि गोबर गैस हम बनाते हैं इसलिए ताकि उसमें से हम गैस का इस्तेमाल कर सकें, और जब गोबर गैस में डालने के बाद जो स्लरी बाहर आती है उसकी, गोबर गैस की, तो उसमें मिथेन निकल चुकी होती है। उसके बाद उसको आप थोड़ा सा, उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है तो पानी की मात्रा थोड़ी नॉर्मल हो, उसके बाद उसका बेड बना के उसमें हम केचुए डाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, बस मिथेन नहीं होती उसमें, तो कोई दिक्कत नहीं है। मिथेन जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है केचुओं के लिए वो ऑलरेडी आप जी निकाल चुके हैं। मिथेन जो गैस है वो किसी भी जीवित प्राणी के लिए प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगी, उसको डायरेक्टली हम अगर हमारे अंदर ले लेंगे, शरीर के अंदर कोई भी जीव ले लेगा तो उसे नुकसान ही होगा, तो मिथेन का खास ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिए हम ये गोबर भी जो है उसको ठंडा करने के लिए हाइट कम करके पानी का छिड़काव लगातार करते हैं। ओके सर, ये तो बात हो गई नॉर्मल की किस तरह से किसान को बेड लगाना चाहिए और क्या, पर जैसे बहुत से किसान ऐसे रहते हैं कि यदि हमको तो नहीं आता है, हमको ट्रेनिंग भी चाहिए और साथ में कुछ प्रोफेशनल हो जो इस काम किया गया हो, तो ये सर आप करवा सकते हो कि किसी किसान की हेल्प करके, उसे ट्रेनिंग भी दे के, उसके सपोर्ट करके, उससे जो वर्मी कंपोस्ट रहती है उसका उत्पादन करवा सकते हो आप? जी, आपने जो बिल्कुल बात कही वो बिल्कुल सही कही है, किसान के यहाँ जो सबसे अभाव है किसी चीज़ का तो ट्रेनिंग का ही है। ट्रेनिंग सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है किसी भी कार्य को करने के लिए, चाहे आप खेती करें, चाहे आप वर्मी कंपोस्टिंग करें, या कोई भी कार्य करें, तो ट्रेनिंग जब तक नहीं होगी आप उस कार्य को बराबर नहीं कर पाएंगे। तो जब भी हमारे पास किसान आते हैं यूनिट के लिए स्पेशली, तो यूनिट के लिए हम क्या करते हैं कि उन्हें पहले यहाँ पर हम चीज़ें बेसिक पूरी बताते हैं कि आप आके देखिए, आप पहले आप यूनिट लगाएंगे वो तो ठीक है, पर आप यहाँ आके आप चीज़ों को समझिए। हम ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री देते हैं, ट्रेनिंग का कोई पैसा नहीं है, आप यहाँ पर भी आ सकते, ट्रेनिंग ले सकते हैं हमारे ऑफिस में। और इसके अलावा जब आप डिसाइड कर लेते हैं, आप सोच लेते हैं कि मुझे यूनिट लगाना है, तो हम ट्रेनिंग देने के बाद उसके यहाँ पर जाकर हम पहले जगह देखते हैं कि जगह बराबर है कि नहीं उसके लिए, जो वर्मी कंपोस्टिंग करना चाहता है, चाहे खुद के लिए, चाहे बिजनेस या कमर्शियल पर्पज़ के लिए व्यावसायिक तौर पर, तो उसके यहाँ पर हम जाके एक बार विजिट करते हैं, देखते हैं। उसका भी कोई चार्जेस नहीं है सर हमारी तरफ से, कि जैसे कुछ लोग करते हैं कि हम इसका भी चार्ज लेंगे, हम आने का भी चार्ज लेंगे, हम देखने का भी चार्ज लेंगे, हम ट्रेनिंग का भी चार्ज लेंगे, तो हमारी तरफ से इन चीज़ों का कोई चार्ज नहीं है। हम जाकर देखते हैं उसके यहाँ पर जगह बराबर है कि नहीं वर्मी कंपोस्टिंग करने के लिए, जगह के बाद उसका रॉ मटेरियल देखेंगे हम, जो गोबर इस्तेमाल करना चाहता है वो गोबर सही है या नहीं केचुआ खाद बनाने के लिए, गोबर के बाद उसमें उसको पानी डलवाएंगे, फिर हम यहाँ से केचुआ देने के पहले हम एक बार और उससे कन्फर्म करवाएंगे, या तो वीडियो के जरिए या फोटो के जरिए, अगर पास में होगा तो हम पास में जाके देख लेंगे खुद कि अब गोबर ठीक हो गया है, डालने लायक हो गया केचुआ, तो हम यहाँ से हम केचुआ हमारे हाथ से स्वयं डाल के आते हैं, ताकि अब किसान को दे देते हैं तो किसान कैसे भी डाल देता है। उसके बाद जो डालने का भी तरीका होता है उसमें भी तरीके होते हैं, 2-4 केचुए पहले डालना पड़ता है गोबर के ऊपर, वो देखता है केचुआ अडॉप्ट कर रहा है नहीं, केचुआ के लिए अनुकूल है कि नहीं, वो जो परिस्थितियाँ हैं सारी, टेम्परेचर, हवा, पानी, खाना, तीनों चीज़ें अनुकूल है कि नहीं। तो जब तक वो सारी चीज़ें बराबर नहीं होगी तब तक हम किसी का भी पैसा बर्बाद नहीं होने देते हैं। इसके अलावा ये तो बात होगी यूनिट लगवाने की, यूनिट लगवाने के बाद भी हमारा कार्य खत्म नहीं होता है, उसके बाद हम 3-4-5 बार किसान के यहाँ जाकर देखते हैं कि किसान बराबर तरीके से ध्यान रख पा रहा है नहीं रख पा रहा है। कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ समस्याएं उसी ऐसी होती हैं जो कि अचानक आती है, कि यार बारिश तो अचानक ज़्यादा हो गई, धूप तो अचानक ज़्यादा हो गई है, या ठंड अचानक ज़्यादा हो गई है, तो इसके कारण क्या होता है कि केचुआ मर जाता है। तो हम 2-3 बार इसीलिए बीच बीच में जाकर उसका देखते रहते हैं कि केचुआ ठीक है नहीं, उसके बाद उसे बीच में भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते रहते हैं। उसके अलावा उसे कोई भी दिक्कत होती है तो हम फ़ोन पे भी उसकी दिक्कत ख़त्म करते हैं। तो इसी तरीके से हमने काफ़ी यूनिट्स लगवाई हैं बड़वानी ज़िले में, खरगोन ज़िले में, धार ज़िले में, इंदौर तक हमारी यूनिट लगी है, तो काफ़ी किसी कोई को कंप्लेन नहीं है हमारी यूनिट जो लगाई हमने उससे, और काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन भी कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कोई किसान सोचता है कि यार मैं इसको व्यावसायिक तौर पर कर लूँ पर मेरा पैसा लग जाएगा एक बार, तो मैं इसको रिकवर कैसे करूँगा। तो इसके अलावा हमारा जो होता है खाद, अगर वो ज़्यादा बना लेता है अपने इस्तेमाल करने के बाद भी उसका अगर खाद बचता है, तो हम उसको खाद को बायबैक या खरीदते भी हैं दोबारा, ताकि हमारे पास तो किसान लेने के लिए तैयार है, हमारे पास काफ़ी कस्टमर जो खाद को लेते हैं, तो हम उस किसान से खाद को खरीद लेते हैं ताकि वो अपना जो किसी पे निर्भर नहीं रहेगा पैसे के लिए, तो उससे एक इनकम का सोर्स जनरेट हो गया। इसके अलावा वो केचुआ बढ़ा लेता है तो हम केचुआ भी उससे ले लेते हैं वापस, दोबारा खरीद लेते हैं केचुआ। तो इसी तरीके से हमारी ये चीज़ें भी योजनाएँ हैं इसमें काफ़ी। जैसे खाद तो बन रहा है, खाद का उत्पादन तो हो रहा है, पर साथ ही साथ केचुए भी बढ़ते हैं, तो केचुए बढ़ते हैं तो कभी तो जैसे आपने कहा यूनिट किसी ने लगवा ली तो यूज हो गए,
बाय चांस यूनिट नहीं लगवाए तो उस टाइम पे आप क्या यूज मतलब उन केचुए का करते? देखिए जो केचुए का बढ़ने का जो संख्या है वो दो से तीन महीने में डबल हो जाती है उसकी संख्या। अगर आप 10 किलो डाल रहे हैं तो 20 किलो हो जाएंगे अगर आपने पूरी तरीके से उसके खाना पानी और हवा का ध्यान रखा है। तो कुछ किसानों को दिक्कत होती है कि यार हमारा केचुआ नहीं बढ़ रहा है, जो हम केचुआ लाए थे वही खत्म हो गया है। तो दिक्कत ये होती है कि उसे प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती है, उसको खाना पानी और हवा कैसा दिया जाए। तो हमारे पास जब एक्स्ट्रा केचुआ हो जाता है तो हम क्या करते हैं, हम बेड की संख्या बढ़ा देते हैं। और जब हमारे पास कोई अगर डिमांड ज़्यादा आती है केचुए की तो हम बेड की संख्या कम करके उसे केचुआ उपलब्ध करवा देते हैं। तो केचुआ की कभी दिक्कत नहीं आती हमारे पास, वैसे केचुआ काफ़ी मात्रा में हमारे पास हमेशा अवेलेबल रहता है। सर किसी को स्टार्ट करना है यूनिट तो उसको कितने ब्रीड से स्टार्ट करना चाहिए कम से कम? देखिए मैं तो यही कहूँगा कि सबसे जो ज़्यादा पैसा लगाना चाहिए किसान को वो किसी स्ट्रक्चर में या फिर किसी लंबे चौड़े काम में तामझाम खड़ा करके नहीं लगाना चाहिए उसको। आप केचुआ ज़्यादा डालोगे आप केचुआ तो आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, खाद आप ज़्यादा बना पाओगे और आपकी ज़मीन को अच्छे तरीके से सुधार पाओगे। तो स्टार्टिंग करने के हिसाब से मैं 5 बेड की सलाह दूंगा कि 5 बेड आप लगा कर स्टार्ट करें, ताकि आपको क्या होगा कि 3 सीज़न का अनुभव होगा। आप ठंड भी देखोगे उन्हीं 5 बेड में, आप गर्मी भी देखोगे और आप बारिश भी देखोगे। तो आप जब तीनों सीज़न में आप खाद निकाल लोगे तो आप परिपक्व हो जाओगे खाद बनाने के लिए, आपको कोई दिक्कत कभी नहीं आएगी, आपका केचुआ कभी नहीं मरेगा। तो 5 बेड से बहुत ही अच्छी शुरुआत हो सकती है। जैसे ये तो हो गई बात बनाने की, इसके बाद आपको कुछ प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है? नॉर्मल कोई व्यक्ति कोई बिजनेस चालू करता है तो विदाउट प्रॉब्लम की तो हो नहीं सकती, क्योंकि कोई भी कर ले ऐसा, तो आपको क्या प्रॉब्लम आई और उसका सोल्यूशन क्या निकाला आपने? सबसे बड़ी बात तो है कि मार्केट की, मार्केट इंसानों को जनरली मिलता नहीं है। बनाना काफ़ी आसान है, बनाना इतना ज़्यादा कठिन काम नहीं है, बनाने के बाद उसे बेचने की समस्या काफ़ी होती है, काफ़ी घूमना पड़ता है और केचुआ भी इसमें बराबर तरीके से ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा केचुआ भी ना मरे। गर्मी का समय था जब हमने शुरुआत की थी तो गर्मी में हमारा केचुआ भी ना मरे और जो हम खाद बनाएंगे उसका बिक्री भी अच्छी तरीके से हो। तो किसान को हम जाकर मिलते थे, किसानों को जाकर हम मीटिंग्स करते थे, नर्सरीज़ में हमारा सप्लाई जाता है, अभी काफ़ी नर्सरीज़ में जाता है। इसके अलावा हमारा जो गार्डनिंग वाले हैं गार्डनिंग वाले ले जाते हैं, स्कूल कॉलेज वाले ले जाते हैं और जो बगीचे वाले हैं वो ले जाते हैं। इसके अलावा घर पर जो टेरेस गार्डनिंग करते हैं, किचन गार्डनिंग करते हैं, जो अपने घर पर गमले रखते हैं, पौधे रखते हैं, घर के आंगन में जो पौधे लगाते हैं, वो काफ़ी कस्टमर हैं हमारे जो कि हमसे खाद ले जा रहे हैं अभी और काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी मिल रहे हैं उन्हें। ये तो आपने बताया था कि किस तरह से अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया, एक प्रॉब्लम और आती है जैसे केचुआ तो आपने कहा नॉर्मल टेम्परेचर और इनसे डेट हो जाती है मीथेन, और दूसरी प्रॉब्लम क्या रहती है चूहे हो जाते हैं, फिर कुछ जानवर रहते हैं जो केचुए को खाते हैं, तो आमतौर पर ये सही बात है कि जानवर जो चूहे खा जाते हैं कि ये मतलब बाई चांस होता है? नहीं ये सही समस्या है कि जानवर खा जाते हैं, यहाँ पर गिरगिट हो गया, पक्षी हो गए, चूहे हो गए, ये काफ़ी खा जाते हैं, पर चूहों की समस्या फिलहाल हमारे यहाँ नहीं है। आप जैसे देख सकते हैं नेट वगैरह आप अगर प्रॉपर तरीके से उसको बाउंड्री वगैरह फेंसिंग वगैरह कर दें तो नहीं खाते हैं। इसके अलावा जो किसान को बेड मिलता है उसमें सिर्फ जो प्लास्टिक का बेड होता है उसमें सिर्फ नीचे से ध्यान रखना होता है, बाकी आसपास से ऐसी कोई समस्या नहीं आती कि कोई जानवर उसके ऊपर चढ़कर उसको हानि पहुँचाए। सर ये तो बात हो गई नॉर्मल कि कैसे बनाना है खाद को, आपने आपकी प्रॉब्लम भी बता दी है कि इस तरह से सोल्यूशन हो सकता है, पर आपका जो उत्पाद है उसकी आप थोड़ी क्वालिटी बता सकते हो किस तरह से? जी बिल्कुल मैं क्वालिटी भी बता दूंगा आपको। और हमारी 2 तरह की पैकिंग होती है, एक हम नर्सरीज के लिए या फिर जो घर पे इस्तेमाल के लिए जो खाद बनाते हैं वो 1 किलो का पैक होता है ये वाला, ये जो 1 किलो का पैक है। और इसके अलावा हम ये तो नर्सरियों को जाता है, किसानों के लिए एक अलग पैकिंग है, किसानों के लिए हम 40 किलो का पैक बनाते हैं जो कि इस बैग में भर के देते हैं। 40 किलो का बैग है और इसकी कीमत लगभग 400 रुपये पड़ती है। 400 रुपये पड़ती है और ये सामने जो नर्सरी के लिए इसका कितना रेट पड़ता है? ये आपको 40 रुपये के आसपास जाती है ये जी। इसको मैं आपको एक बार खाद की क्वालिटी बता देता हूँ, और बिल्कुल हमारी 40 किलो में भी सेम खाद की क्वालिटी मिलेगी, और 1 किलो में भी लेंगे तो भी आपको सेम क्वालिटी ही मिलेगी। बिल्कुल मिट्टी का कोई भी कंटेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि जो हमारा रॉ मटेरियल है वो एकदम पक्की फर्श से ही आता है, और हम ये कोशिश ही करते हैं कि जहाँ से भी हम रॉ मटेरियल लाएं वो एकदम पक्की फर्श का ही आए। ओके सर, जैसे ये तो बात है रॉ मटेरियल की, थोड़ा इसमें नमी है तो इसमें ये नमी के साथ ही आप पैक करते हैं? जी नमी के साथ ही पैक करते हैं, ताकि हमें पता नहीं होता कि ये जो 1 किलो का पैक ले जा रहे हैं इसे कितने दिन रखेगा, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने। किसान तो जनरली तभी ले जाता है जब उसे ज़रूरत पड़ती है, जैसे अब उसे लग रहा है कि 15-20 दिन में मुझे खाद डालना है, खाद लग रहा है तो उसी दौरान ले जाता है, तो किसान तो एक बार में डाल देता है।
पर क्या है कि ये जब नर्सरी को जाता है, नर्सरी से ख़रीदता है या हमसे डायरेक्टली लेता है, तो उसका पता नहीं होता है कि ये कितने दिन तक रखेगा उसको, तो इसलिए हम नमी खुद स्वयं डाल के देते हैं, 10 से 15% नमी हमेशा बरकरार रखते हैं उसमें, ताकि जब भी इसको कोई इस्तेमाल करें तो ये अच्छे तरीके से पौधे तक इसके सारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट पहुंच पाएं। जैसे कि नॉर्मल में बात करूँ, किसी किसान को लेना है बिना पैकिंग की जी, नॉर्मल उसको क्या लेना है कि एक ट्रायली ले आया जी, उसने ट्रायली फिल करवा ली जी, तो उसमें रेट डिफर रहेगा कि यही रेट रहेगा जो देखिए जो किसान को हम हमारी तरफ से तो थैली में पैक करके देते हैं, ऐसा तो अभी हम तक हमने किया नहीं है, हम करते नहीं कि हम लूज पैकिंग में ही दे दें, तो जो थैली में पैक होता है उसी में ही जाता है हमारा माल। तो रेट क्या है इसका? 40 किलो का? 40 किलो 400 रुपये में जाती है, और जो 1 किलो है वो लगभग 40 रुपये में जाती है। तो सर इसका प्राइस डिफर इतना होने का क्या रीज़न? देखिए इसमें क्या हो कि जो लेबर का जो कॉस्ट लगता है वो भी ज़्यादा लगता है हमें, जो 1 किलो की पैकिंग में लेबर का कॉस्ट ज़्यादा लगता है, प्लस पैकेजिंग कॉस्ट ज़्यादा लगता है, और ये जो जो थैली है ये दूर से आती है हमारी, तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी जुड़ जाता है, सारी चीज़ें जुड़ जाती है, तो इसमें मेहनत काफ़ी लगती है, और इसे नर्सरी तक पहुँचाने के लिए भी हमें ट्रैवल ज़्यादा करना पड़ता है। किसान तो क्या है हमारे पास से आके स्वयं ले जाता है, पर ये जो 1 किलो का पैक है हमें देने के लिए जाना पड़ता है, तो सारी कॉस्ट जुड़कर ही हम ताकि ये जो आप पैकेट ही देख रहे हैं ये ही कम से कम 12 रुपये का सिर्फ प्लास्टिक की पैकिंग ही पड़ती है हमको, प्लस इसमें लेबर कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सब जुड़कर इतना चले जाता हमें। ये तो बहुत हो गई नॉर्मल किसान से रिलेटेड है, पर ये जैसे बिजनेस से रिलेटेड में कभी मैं बात करूँ, तो जैसे किसी बंदे को केचुए चाहिए जी, वो बाहर का है, तो आप उसको केचुए उपलब्ध करवा दोगे कि नहीं? जी बिल्कुल, वो चाहे तो यहाँ आके भी देख सकता है केचुए किस प्रकार के हमारे, किस तरीके से हम उन्हें ट्रीट करते हैं, और केचुआ भी मिल जाता है, हम हमारा जो केचुए का रेट है वो 400 से लेकर 500 रुपये किलो तक मिलता है, वो निर्भर करता है कि आप कितनी क्वांटिटी में आप ले रहे हैं, अगर ज़्यादा क्वांटिटी होगी तो कम भी होता है, जनरली 400 से 500 के बीच में ही होता है हमारा केचुए का भाव, और हम स्वयं जाके डालते हैं, डिलीवरी हमारी होती है। ओके सर, जैसे कभी उसकी जैसे कि आप कितने एरिया में सर्विस दे सकते हो, जैसे एक डायामीटर आप कभी बात करें? जी ऐसा कुछ नहीं, अगर ज़्यादा अगर बड़ी यूनिट है केचुआ ज़्यादा है तो हम हमारे लिए दूरी मायने नहीं रखती, हम किसी दूसरे राज्य में भी सर्विस दे सकते हैं, हमारे पास आती है महाराष्ट्र से भी काफ़ी इंक्वायरी आती है, तो हम उनको भी देते हैं बिल्कुल, और ऐसा कोई वो नहीं है कि हम इतने ही एरिया तक या हमारे ज़िले तक सीमित है, कहीं से भी ऑल ओवर इंडिया हमारे हमसे कोई भी संपर्क कर सकता है, हमारा नंबर आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, और हमारा जो एड्रेस है वो भी आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा है, तो आप किसी भी तरीके से हमसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं किसी भी समस्या को लेकर। जैसे कि ये बात तो हो गई ये केचुए से, और खाद के साथ भी ऐसा ही है, खाद भी ऑल इंडिया कहीं पे भी डिलीवरी कर। ओके सर, इसके साथ कोई जैसे आपने खाद और केचुआ डिलीवर कर रहा था, आप स्वयं जाते हो कि साथ में एक पार्सल टाइप करवाते हो, किसी दूसरे के साथ पहुंचाते हो? देखिए खाद की जिम्मेदारी तो जो किसान है उसकी स्वयं की रहती है कि खाद उसे लेना है, तो जनरली किसान हमारे पास आकर ले जाते हैं, अगर कोई किसान नहीं आ पाता है तो हम उसे उसके जो गंतव्य तक पहुँचा देते हैं खाद को भी, उसमें जो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है हम उसमें ऐड ऑन कर लेते हैं, और इसके अलावा जो यहाँ आकर लेना चाहता है तो उन्हें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, और केचुआ जो है केचुआ हम ही डिलीवर करते हैं, ताकि केचुआ एक ऐसी चीज़ है वो मर सकता है ले जाने के बाद या ले जाने के दौरान मर सकता है, तो केचुआ हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी पे हम ही मुहैया करवाते हैं, इसके अलावा अगर केचुआ देने के बाद भी 2-4 दिन में अगर केचुआ डैमेज हो जाता है, कोई दिक्कत आती है, तो हम पूरा केचुआ उसे रिप्लेस कर देते हैं, पूरा केचुआ हमारी तरफ से दोबारा उसे बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के हम वापस से प्रोवाइड करवा देते हैं। ओके सर, ये तो बात हो गई आपने जो नॉर्मल किसान को बता दिए, साथ में आपका मोबाइल नंबर एक बार बोल के बता दीजिए तो उससे किसान को आसानी रहेगी। जी बिल्कुल, मैं अपने लोकेशन भी बता देता हूँ, अगर कोई व्यक्ति एंड्रॉइड फ़ोन से हमारी लोकेशन गूगल पे सर्च करेगा ग्रीन ग्रेविटी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, तो वो लोकेशन भी आ जाएगी, हमारी जहाँ ऑफिस की लोकेशन है वहाँ पर आकर मिल भी सकते हैं। इसके अलावा मैं अपना एड्रेस फिर से बता देता हूँ, हमारी जो यूनिट है यहाँ पर ग्राम भिलगांव में है, जो कि कसरावत तहसील में पड़ती है, खरगोन जिले के मध्य प्रदेश में हमारी लोकेशन है यहाँ पर, और जो हम मेरा नाम इंद्रजीत ठाकुर है, और मेरा जो मोबाइल नंबर है 7566171777। चलो मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आप कुछ नया करते हो, तब तक के लिए अलविदा, और इस वीडियो के लिए आपका धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद।